सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बता रहे हैं, भूषणों में भूषण क्या बताया, शील बताया। शील माने सत्चरित्र। शील माने क्या बताया था, सत्चरित्र आचरण सदाचरण नैतिकता सात्विक स्वभाव। शील में सब आ जाता है। शील में क्या है, सत्य भी संयम भी तप भी संतोष भी सहन शक्ति भी सरलता भी, जो सन्मार्ग पर चल रहा है वह क्या है, शीलवान। और जो सन्मार्ग से भटक गया है वो क्या है, घूस लेता है। क्या करता है, घूस लेता है चारित्रिक रूप से भी जो पतित हो गया है वो क्या है, शील से रहित है। ये बता चुके हैं कल। और फिर क्या बताया था, परम तीर्थ। परम तीर्थ क्या है, भूल जाते हो। स्वमनो विशुद्धम, अपना मन निर्मल हो जाना, दोष रहित विकार रहित होना मन का चित्त का, यही सबसे बड़ा तीर्थ है। और साधक के लिए क्या त्याज्य है, कनकम चकांता। क्या त्याज्य है, धन और स्त्री। धन और स्त्री किसके लिए, जो पुरुष साधक है उसके लिए त्याज्य है, और जो स्त्री साधक है उसके लिए धन और पुरुष वो त्याज्य। और फिर क्या बताया, हाँ क्या सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, गुरु वेद वाक्य। क्या सुनना चाहिए, गुरु के और शास्त्रों के जो हितकर वाक्य। गुरु कौन है, हितोपदेष्टा, पीछे सुना था ना, जो केवल शिष्य के हित के वचन कहे वह क्या है, वह गुरु है। और हित क्या है, हित क्या है इसका, जीव का स्वरूप की परमात्मा की प्राप्ति ही हित है। वैसे तो भोजन कराना भी हित है, पानी पिलाना भी हित है, मकान दुकान देना भी हित है, पालन पोषण करना भी हित है, लेकिन ये तो सब के सब क्या है, नाशवान है। और जन्म मृत्यु के निरंतर चलने वाला ये जो चक्र है, इससे मुक्ति देने वाले नहीं है। तो मुक्ति तो किससे मिलती है, गुरु के वचन से। किससे मिलती है, तो इसलिए जो परम हित है, जो परम हित का उपदेश करे वह गुरु है। परम हित तो मोक्ष है, तत्व प्राप्ति है परमात्मा का। तो ये आप लोग सुन आए हैं, अब आप लोग नौवा श्लोक सुनिए। के हे तवो ब्रह्म गतेस्तु संते सत्संगतिर्दान विचार दोषा, के संति संतोखिल वीतरागा
के हे तवा ब्रह्म गते तु संति सतसंगति दान विचार तोषः के संति संता अखिल वीतरागः अपास्तमोहः शिवतत्त्वनिष्ठः के हे तवः ब्रह्मगते तु सन्ति ब्रह्मगते तु के हे तवः सन्ति ब्रह्म की परमात्मा की प्राप्ति के क्या क्या हेतु है, अर्थात परमात्म प्राप्ति के क्या क्या साधन है। हाँ जी, कान खोल के सुनना चाहिए। हाँ नहीं, कोई व्यक्ति नदी के तट पर खड़ा है और नदी को पार करना चाहता है और नदी पार करने के लिए कुछ भी साधन सूझ नहीं रहा है, हाँ? और कोई वहां पर महान कुशल केवट अपनी वो लेकर के आ जाए, नौका लेकर के आ जाए, हाँ? और नदी का वेग क्या है, बहुत तेज है, नदी बहुत गहरी है और नदी बहुत विशाल है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, जैसे हवाई जहाज में बैठते हैं ना, तो पहले गाइड करते हैं, वो पेटी बांध लीजिए और ऐसा होगा तो ऑक्सीजन ऐसे आ जाएगी, हैं, और कुछ ऐसा आपातकाल में ये जो दरवाजे हैं, यहाँ यहाँ पर दरवाजे हैं और ये जो होती ना पट्टी, हाँ वो रास्ता आपको नजदीकी मार्ग दिखा देगी, हैं, सुनना पड़ता है ना सावधानी से उनकी बात, नहीं, हाँ, तो वैसे ही नौका में बैठे तो क्या है, नाविक की बात सुननी पड़ेगी ना, वो कहेगा देखो जी, एक तो नदी बहुत विशाल नदी है, गहरी बहुत है, भंवर बहुत है, तूफान चलते हैं, है ना, बड़ी विकट नदी है, तो इसलिए खाली नाव में भी सावधानी रखनी पड़ेगी, नाव में बैठ जाऊंगे तो भी क्या रखनी पड़ेगी, जैसे हवाई जहाज में बैठ गए तो लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके लिए सावधानी चाहिए ना, वो कहते हैं मोबाइल भी बंद कर दो, नहीं तो क्या होता है उसका डिस्टर्ब होता है, उनके कंप्यूटर आदि है वो बात अलग है, कोई करता नहीं है, करते कम लोग करते नहीं है ना, क्यों, क्योंकि किसी की बात मान लेने से तो हम छोटे हो जाते हैं, नहीं, भारत हमारे भारत के लोगों में तो ये है ना, दूसरे की बात मानने से क्या हो जाते हैं, अच्छा एक बात बताओ, दूसरे की बात मानने से छोटे होते हैं बड़े होते हैं, हमें तो दूसरा लगता है, दूसरे की बात मान लेने से क्या होता है, व्यक्ति बड़ा होता है ना, नहीं, लेकिन लोगों की धारणा क्या है, नियम तोड़ने से, मनमाना करने से, दूसरे की न सुनने से, न मानने से हम क्या होते हैं, ऐसा माना जाता है, पर है बिल्कुल इससे उल्टा, जो उनका निर्देश है तुरंत मानना चाहिए ना, हाँ, लेकिन विचित्र काम है ना यहाँ के लोगों का, चलाकी तो करना ही है, किसी गांव में ये हुआ कि हाँ भाई गांव में भंडारा होगा, ठीक है ना, और खीर बनाई जाएगी भंडारे में और सबको अपने घर से एक एक लोटा दूध लाना है, ठीक है ना, क्या लाना है,
अपने घर से सबको एक एक लोटा दूध लाना। गांव के लोग थे बहुत ज्यादा बुद्धिमान, आज की भाषा में कहेंगे तो सबने ये सोचा कि सब तो दूध लेके जाएंगे ही, यदि मैं पानी भी ले गया तो बाकी तो सब लोग दूध लेके जाएंगे। तो सब ले सबने यही सोचा। तो क्या बोलते हैं इनकी भाषा में, बोलते ना कि ऊंट का भाई भगेरा वो कूदे नो वो कूदे तेरा है? तो भाई भाई है ना वो, तो क्या बोलते हैं कि हाँ हिंदू चीनी भाई भाई है? तो भाई भाई है। तो सबने यही सोचा कि बाकी तो सब लोग दूध लेके जाएंगे, यदि मैं एक लोटा पानी भी लेके गया, अब लेकर जाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ढक के लेके जाना है, नहीं तो लोग कहेंगे कि देखो ये कुछ भी नहीं लाया है। तो सबने यही सोचा और ले गए, और ले जा करके उसमें जो रखा हुआ था बड़ा पात्र उसमें डाल दिया। ठीक है, पात्र में डाल देते, ढक देते, डाल देते और ढक देते। ठीक है, फिर खीर बनाने का समय हुआ तो उगाड़ा तो क्या देखते हैं, सफेद रंग का पानी है? ऐसी स्थिति है ना, मतलब चालाकी करेंगे, चतुराई दिखाएंगे, जबकि इसकी आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता नहीं है ना, पता नहीं स्वभाव बना लिया है। और कुछ स्थान, अब चलो कुछ स्थान तो ऐसे छोड़ने चाहिए जहां पर चालाकी ना करे वे, वैसे तो कहीं भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ स्थान ऐसे छोड़ने चाहिए जहां पर चालाकी ना करे, हम झूठ ना बोले, हम कपट ना करें, हैं, हम किसी के प्रति अपने चित्त में दुर्भाव ना रखें। अब मंदिर में गए, मंदिर में भी तीर्थ में जाकर के भी लड़ाई होती है, लाइन में लगने को लेकर के भी लड़ाई होती है, हैं? जब इतना सा भी धैर्य नहीं आया, इतनी भी सहन शक्ति नहीं आई, इतना भी सेवा का अभाव, परोपकार का भाव नहीं आया है, तो फिर तो भाई क्या करेगा तू, दर्शन करके अपने घर बैठ हैं? नहीं तो इतने तो कम से कम आना चाहिए ना। और वहां पर भी बल्कि दूसरे रास्ते से यदि दर्शन कर लिए ना, स्वार्थ सिद्ध कर लिए तो अपने आप को, हाँ मतलब कोई गलत रास्ते से झूठ बोल के, झूठ बोल करके भी है ना, झूठ बोल करके भी तो है ना, वहां से जाना पड़ेगा, ऐसे झूठ बोल देंगे कि मेरे तो घुटने में दिक्कत है, बताइए। तो ऐसे दर्शन का, ऐसे तीर्थ का, ऐसे तप का कोई अर्थ है क्या? ये स्वभाव बना लिया है, पता नहीं क्यों। अच्छा चलो, नदी की बात आ रही है ना, नदी किनारे खड़े हुए हैं, कब तक खड़े रहोगे, गर्मी का समय है, पार कर देते हैं। तो साधन चाहिए, तो वैसे ही पूछ रहे हैं, ब्रह्म गते के हेतवा संति, ब्रह्म की परमात्मा की प्राप्ति के क्या साधन है जिससे परमात्म प्राप्ति हो, जिससे कि संसार सागर को हम क्या कर जाए, तर जाए, पार हो जाए, क्या कर जाए, तर जाए, पार हो जाए। संसार सागर को पार करना है, नहीं करना है? है? क्यों करना चाहते हो संसार सागर को पार, क्यों करना चाहते हो? क्या महाराज, हम मुक्ति चाहते सबसे, है ना, देख लो, शरीर से भी मुक्ति चाहते हैं, पति पत्नी से भी मुक्ति चाहते हैं, भाई बंधु से भी मुक्ति चाहते हैं, खाने पीने से भी मुक्ति चाहते हैं, लेने देने से भी मुक्ति, सबसे तंग आगे हो क्या, तंग आगे नहीं, तंग आगे हो तो ठीक, और नहीं आए होना तो फिर अपने घर बैठो, ठीक है ना। सबसे तंग आ गए हो क्योंकि जानते हो कि है तो सब नश्वर ही, होना तो सबका वियोग ही,
परिणाम में अंत में तो सबके सब है दुख रूप ही है, ऐसा जान करके ठीक है महाराज हम संसार में व्यवहार तो कर लेंगे और प्रसन्नता पूर्वक कर लेंगे, लेकिन अंतस में तो यही भावना रहेगी कैसे भय रूप दुख रूप क्लेश रूप इस जगत से छुटकारा, है ना, समझ आ रही है बात। तंग हो जाना चाहिए, विचारवान जो है वो जान लिया ना कि सब सर्वम दुखम दुखम, सबका सब क्या है, तो हम ये नहीं कहते कि आप उदास निराश होके बैठ जाओ, दुखी होके बैठ जाओ, संसार में व्यवहार करो बड़ा प्रेम पूर्ण, बड़ा ही है, लेकिन साधक कर नहीं पाता। साधक की स्थिति बड़ी विचित्र होती है, खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय भोगनित खारा है, हरि आशिक कामग। साधक मस्त कौन रहता है, ये तो संसारी मस्त रहेगा या ज्ञानी मस्त रहेगा, मस्त कौन रहेगा, जिसको जाना नहीं और जो पहुंच गए मस्त कौन है, क्यों जी, जिसको कहीं जाना नहीं कुछ करना नहीं, और एक क्या है जो जा चुका और कर चुका वो मस्त रहेंगे ना, लेकिन जो मार्ग में है जिसको जाना है और पहुंचा नहीं है वो क्या रहेगा, दुखी रहेगा ना, उदास ही रहेगा। तो साधक नहीं आ सकता, साधक की तो सब उड़ जाती है, हंसी मजाक सब उड़ जाता है साधक, साधक को कहाँ, संसार दिखे दुख में सुख का नहीं पाता पता, सुख है कहाँ इस सोच में निद्रा हुई है लापता, साधक की बात है ना? संसार दिखे दुखमय सुख का नहीं, सारा का सारा उजाड़ दिखता है, उजाड़ सुख है कहाँ इस सोच में निद्रा हुई है, नींद उड़ गई, साधक की बात। वो बोल आया है ना, अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरु, तो वहां पर बताया है कौन सुखी रहता है, या तो बालक या फिर ज्ञानी, बालक से ये शिक्षा ली है ना, बालक अबोध बालक अविकसित मन वाला जो बालक है, अभी जिसके मन में विकास नहीं हुआ किसका, लोभ मोह स्वार्थ कपट आदि का, ऐसा जो अप्रबुद्ध अत्यंत अप्रबुद्ध अप्रबुद्ध देखो ऐसे है ना, प्रबुद्ध माने तो ज्ञानी हो गया, अप्रबुद्ध माने अज्ञानी हो गया, और अत्यंत अप्रबुद्ध, अत्यंत अप्रबुद्ध है ना बालक, तो पता ही नहीं है आग क्या है पानी क्या है पता ही नहीं, हित अहित का क्या, खाने का क्या नहीं खाने का, उसको जो मिल जाए सब कुछ खाने का ही है, पैसा मिल जाए कपड़ा मिल जाए जो कुछ मिल जाए सब खाने का ही है ना, ऐसा जो अबोध बालक है, या तो वो आनंद में रहता है या फिर ज्ञानी रहता है, और साधक की बात, हाँ जी, तो इसलिए कहा ना कि सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे, मतलब साधक, साधक तो रोता है ना, संसार तो सारा का सारा दुख रूप उजाड़ और आगे कुछ दिखता नहीं है, साधक को तो क्या करना पड़ता है, तो रोता है विरह में व्याकुलता में तड़प, हाँ उसकी बात समझ आ रही है बात। तो अब यहीं पर देखो ब्रह्म प्राप्ति के साधन पूछे, परमात्म प्राप्ति के क्या क्या साधन है ये ध्यान से सुनना चाहिए, फिर ये मत कहना कि जी नहीं बताए थे,
सतसंगति दान विचार तोषा। कितने साधन बताए? सतसंगति, दान, विचार और तोषा, संतोष। कितने बताए? चार। पीछे से देखो, तोषा माने सबसे पहले तो संतोष। संतोष के बिना तो कुछ भी नहीं, यात्रा होगी नहीं, कदम ही नहीं बढ़ा सकता व्यक्ति। असंतोषी का मन कहाँ रहेगा? धन में रहेगा, पद में रहेगा, इनमें रहेगा ना। संतोषी भजन करेगा, सत्संग सुनेगा, कहाँ है मन उसका? जो जो उसको चाहिए उसमें उलझा रहेगा ना, धन पद प्रसिद्धि आदि। पहली चीज है भजन करने के लिए, परमात्म प्राप्ति के लिए संतोष ही सबसे पहली चीज। और इस बात का आज नाम मत ले देना, आज के जमाने में, आज के समाज में, आज की दुनिया में बस बाकी सब चलेगा, लेकिन संतोष का नाम मत लेना है। देखा कहीं संतोष के दर्शन होते हैं? है जी, तृष्णा, तृष्णा की आंधी, हृदय में क्या हो रही है? तूफान मचाए हुए तृष्णा, तृष्णा बढ़ गई है, सबको सब कुछ चाहिए, जबकि सबके पास और सब कुछ पाके और ज्यादा क्या हो गए? और ज्यादा रीते हो गए और खाली हो गए ना, और खाली हो गए, कुछ भी नहीं है? गाड़ी नहीं थी तो किसी और की गाड़ी थी, तो उसकी उसके साथ क्या रखते थे? प्रेम रखते थे। क्या रखना पड़ेगा है? कहीं जाना हो मजबूरी में, अपने पास तो गाड़ी है नहीं, तो जिसके पास गाड़ी है उनके साथ में क्या रखना पड़ेगा? अब किसी को किसी से क्या मतलब है? सबके पास सब कुछ है तो सबकी अपनी अपनी, जितनी ज्यादा साधन संपन्नता आती है उतना ज्यादा क्या होता जाता है? अहंकार बढ़ता जाता है, प्रेम, सहन शक्ति, अपनत्व, ये सब कम होता चला जाता। यही हमारी च्वाइस थी, च्वाइस है ना, लोगों की यही च्वाइस है, उसी तरफ जो च्वाइस है उसी तरफ बढ़ते हैं ना लोग, उसी तरफ बढ़ रहे हैं। प्रेम भाव नहीं चाहिए, अपनत्व, सहयोग एक दूसरे का नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे विचित्र काम है ना दुनिया के, काम ऐसे विचित्र है ना? बड़ा आश्चर्य होता है। अपने जो परिवारजन है उनको सहन नहीं करेंगे और नौकरों का सब कुछ सहन कर लेंगे, क्या करेंगे? अपने भाई का, अपनी बहन का, अपने जो भी, क्या बोलते हैं आप लोगों के भाषा में, देरानी, जेठानी, बड़ा बड़ा हम भी जानेंगे, जाने तो बहुत देर में हम इन चीजों को, देवरानी, जेठानी, और राजस्थान वाले तो हम भी जानते कि वो मामा का माम काकी ससुर है, और पता नहीं क्या क्या, बड़ी दूर दूर तक भी संबंध जुड़ते हैं। हाँ, काकी काकी ससुरो है, थारो थारो क्या लागे है? ऐसे दूर दूर संबंध वही मतलब जुड़े हुए थे ना, अब तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो सहन नहीं करेंगे एक दूसरे को, और किसको सहन करेंगे? मतलब उनकी तो छोटी छोटी बातें सहन नहीं करेंगे, और नौकर चाकरों की
सब कुछ सहन करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। और अपना कोई घर वाला बीमार पड़ जाए, घर वाला अच्छी बात है, दुख पाएगा, कष्ट पाएगा। नौकर बीमार पड़ जाए तो भाई नौकर बीमार नहीं पड़ना चाहिए, है ना। बाकी और कोई बीमार पड़ जाए तो घर वाले अच्छी तो बात है, कम से कम अकल आएगी, है। अपना अपना विचित्र विचित्र दुनिया की, बस देखते रहो दुनिया को, पता नहीं कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, दुख के सागर में डूबी हुई है, जाना कहाँ, इसके सागर में डूबी है, दुख और अशांति के सागर में डूबे हुए हैं। और सबका अपना अपना सागर है, सब अपने अपने सागर में डूबे हुए हैं, है ना। अपना अपना समुद्र बनाया हुआ है सबने, सब डूबे हुए। कुंती कहती मैं बहुत दुखी हूँ, विष्णु पितामह कहते मैं बहुत दुखी हूँ, हैं, सारे के सारे कह रहे मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा पता नहीं क्या बीमारी होगी, हैं, जिससे पूछो, ऐसी संसार में जिससे पूछो कि मैं बहुत दुखी, क्या परेशानी है भाई, क्या परेशानी है, हैं, शरीर में रोग तो नहीं है ना, कह जी नहीं, रोटी मिल जाती है ना टाइम पे, कह जी हाँ, फिर क्या क्या दुख है तेरे को, जी बहुत दुख है, हैं, उसने मेरे को ये बोल दिया, वो मेरे बारे में ऐसे सोचता है, हैं, और भी पता नहीं क्या क्या, उसके पास बढ़िया कपड़े हैं, चलो छोड़ो संसारियों की कहानी यहीं पर आओ, ठीक है ना। संतोष पहला साधन क्या है, ये हम इसलिए कह रहे थे, असल में क्या है, शास्त्रों की बातें हमें थोड़ा व्यवहारिक धरातल पर लानी पड़ती है। समस्या तो यही है ना लोग, शास्त्रों की बातों को शास्त्रों में या ज्यादा ज्यादा बुद्धि तक छोड़ देता है, आचरण में स्वभाव में लाने के कोई सोचता नहीं। सत्संग में जाते खाली सुनने के लिए जाते हैं ना, किस लिए जाते हैं, दुनिया सत्संग में जाती है किस लिए, कुछ ग्रहण करने के लिए, कि हम अपना ये स्वभाव अच्छा बना के आएंगे, निश्चय करके आएंगे कि आगे झूठ नहीं बोलेंगे, या चोरी नहीं करेंगे, या किसी को धोखा नहीं देंगे, या कपट नहीं करेंगे, या निंदा नहीं करेंगे कम से कम, या गुस्सा नहीं करेंगे, ऐसा कुछ। सत्संग क्या होता है, केवल केवल सुनने के लिए, ऐसा। सत्संग में जाए तो कुछ लक्ष्य होना चाहिए, कम से कम कुछ तो हम क्या करेंगे, सुधार करेंगे, कुछ तो सुधार करेंगे, छोड़ के आएंगे, छोड़ तो आते हैं, क्या छोड़ाते हैं कि अब लौकी की सब्जी नहीं खाएंगे हम, कि लौकी की सब्जी इसलिए नहीं खाते कि वहाँ गए थे हम, कहाँ गए थे, बताते तो है कि वहाँ जो है लौकी की सब्जी खाना छोड़ा है, कोई कुछ वो भी छोड़ाया, ऐसे ऐसे भी सुनते हैं। बाकी चीजें ये त्याग है, त्याग करके या तो बुरी आदत का त्याग करके, या किसी को सताऊंगा नहीं, गुस्सा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, छोड़ के आना तो ये छोड़ना चाहिए, क्या ये इनकी तो बात ही नहीं होती, विचित्र काम है ना दुनिया की, हाँ देखते रहो इसलिए। तो सहा पहला साधन है संतोष, संतोष है, फिर क्या है, विचार है, फिर क्या है, दान है, और फिर क्या है, सत्संग। संतोष तो हम सबसे मुख्य मानते, सबसे प्रथम है, सबसे प्रथम संतोष के बिना तो पहुंचने की बात तो दूर, चलने की बात तो दूर, एक कदम भी उठाने का मतलब नहीं संतोष के। पहली चीज है संतोष, और जिसको संतोष है वही क्या कर पाएगा, सत्संग सुन पाएगा, सद्गुणों को अपना पाएगा, वही भजन ध्यान कर पाएगा, वही आत्मचिंतन कर पाएगा, कौन, संतोष। संतोष का मतलब ये नहीं है कि कुछ मत करो, संतोष का मतलब है कर्म किया जाए, पुरुषार्थ किया जाए,
लेकिन जो भी फल मिले प्राप्त हो उसमें ही प्रसन्न है। संतोष का मतलब ये मत समझ लेना कुछ न करना, हाथ पैर वो क्या कर लेना बिल्कुल बांध के रख लेना सोफे के ऊपर, है ना, हिलना नहीं, क्योंकि हिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, संतोष का व्रत भंग हो जाएगा। ऐसा ऐसा नहीं, शरीर से तो कर्म हो है लेकिन फल के प्रति संतोष का भाव, के प्रति संतोष का भाव रखे तो संतोष तो बहुत सुंदर है। ये चार साधन योग वशिष्ठ में भी पता सुनाए थे ना आपको, क्या बताया था, क्षम संतोष विचार और संत समागम। तो यहाँ पर वहां पर तीन तो मिल रहे हैं ना, यहाँ पर दान बोल दिया है और वहां पर क्षम बोल दिया, मन का शांत हो जाना वहां पर तो ये बताया है और यहाँ पर क्या बताया है, दान। दान को क्या करो, दान का मतलब है स्वार्थ का भाव, लोभ का भाव, संग्रह का भाव, ये क्या करना चाहिए, ये छोड़ दो। दान से मतलब क्या है, समझ आ रहा है, दान से अभिप्राय क्या है, जो हमारी ममता है, मोह है, लोभ है, इसी कारण से क्या होती है, संग्रह की, संग्रह का भाव होता है ना, आसक्ति बढ़ती चली जाती है, राग बढ़ता चला जाता है। तो दान का मतलब यही है, जो अपने से अधिक है, अपने उपयोग से अधिक जो बच गया किसी दूसरे के काम आ जाए, है ना। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है हाँ कि मीठा मीठा अपने लिए रख लें और खट्टा खट्टा राम जी के लिए रख, ऐसा थोड़ा। सबरी ने क्या किया, सबरी ने मीठे मीठे रखे राम जी के लिए, खट्टे खट्टे रखे, क्यों जी, सबरी ने मीठे मीठे रखे राम जी के लिए और खट्टे खट्टे खाए स्वयं। दान का भी यही होता है, दान में श्रेष्ठ वस्तु दी जाती है, श्रेष्ठ और प्रिय वस्तु दी जाती है। दान में क्या है, श्रेष्ठ और प्रिय वस्तु दी जाती है। यूजलेस का दान दान नहीं माना जाता है, जो अपने काम की नहीं है तो फिर क्या करो, ऐसा करते हैं ना, पूजा के तो जो देने में वस्त्र होते हैं वो भी बड़ा बड़ा ही वैसा कपड़ा होता है, पता नहीं देखा है ना हमने भी, एक आधी बार किसी ने पूजा कराई है तो हमें भी पता लगा है कि पूजा के पूजा का वस्त्र होता है, होता है वो छलनी जैसा होता है, जैसे वो होती है ना छल छलनी टूल बोलते हैं, लाल टूल पीला टूल सस्ता होता है। अच्छा सेठ जी को पता होगा, है टूल। अच्छा दान जो है अपनी प्रिय वस्तु और जो अपनी श्रेष्ठ वस्तु है, और सबसे प्रिय वस्तु क्या है, अहंकार। सबसे प्रिय वस्तु क्या है, तो किसका दान करना चाहिए, महात्मा को दक्षिणा देनी चाहिए ना, ही देनी देनी चाहिए, गुरु को दक्षिणा देनी चाहिए, इस चीज की दक्षिणा है जी। महात्मा लोग जो है ना शिष्य के अहंकार को खा करके क्या होते हैं, प्रसन्न हो, क्योंकि अहंकार ही तो दुख का, अहंकार ही तो भटकाता है इसको, अहंकार के कारण ही सारी दुर्गति है, जीव भाव है, देहाभिमान है, सब किसके कारण है। तो गुरु का काम क्या है, शिष्य का अहंकार बढ़ाना या अब शिष्य बनते हैं और फिर क्या चाहते हैं, गुरुजी हमारा क्या करें, सम्मान करें, गुरुजी क्या करें,
गुरुजी मीठी मीठी बात करें, गुरुजी हमारी प्रशंसा करें, गुरुजी हमारा सम्मान करें, इसलिए गुरु बनाया था, इसलिए गुरुजी के पास जाते हैं। गुरु का तो मतलब क्या होता है, जो हमारा तिरस्कार करे, क्या करे, हमें डांटे टोके, वो होता है ना। ये कड़वे होने चाहिए, तीन बताया ना, वैद्य, गुरु और मंत्री सचिव, ये तीन क्या होने चाहिए, कड़वे होने चाहिए। यदि मीठे है तो ठीक नहीं है, है ना। सचिव, वैद्य और गुरु, यदि मंत्री सही सलाह नहीं देगा जो उचित है सत्य है तो राज का नाश हो जाएगा। वैद्य, आजकल के जो डॉक्टर है वैद्य नहीं है, है? ये क्या है, ये तो केवल दुकानदार है। केवल क्या है, आप उनके कस्टमर हो और वो क्या है, दुकानदार, आप क्लाइंट, तो कोई मतलब नहीं है। केवल दवाई, अच्छा ये भी है, जुकाम भी है, अच्छा सर में दर्द भी है, गोलियां लिखते जाएंगे और जब 8-10 लिखी जाए ना, तब अभी माइयें बड़ी खुश हो जाती है। माइयों को दवाई चाहिए और कुछ नहीं, हाँ बीमारी बता के खुश होती है, बीमारी बता के भी और दवाई दवाई खा के तो बस फिर इतना आनंद आ जाता है, कोई सीमा ही नहीं। अरे क्यों जहर डालते हो शरीर के अंदर, दवाई है वो, दवाई है क्या है, पथ्य कर लो अपने आप ठीक, पथ्य करो परहेज करो, ये तो अपने आप, इसमें कई अरब कर्मचारी लगे हुए अपने आप ठीक करने के लिए, नहीं लगे हुए, अपने आप ठीक कर लेते हैं सारे रोगों को, शरीर अपने आप ठीक कर लेते हैं सारे के सारे रोगों, थोड़ा मौका देना पड़ता है। और मौका देना क्या है, 10-12 घंटे, 15 घंटे कम से कम, वैसे कहते 16 घंटे कुछ न खाए अपने आप ठीक कर लेता है शरीर। और शरीर को क्या दो, 5 चीजों से बना, 5 चीज दो, आकाश नहीं देते, एक तो इसको आकाश नहीं देते मतलब हर समय खाते रहते, खालीपन चाहिए ना, खाओ मत तो आकाश मिल गया, खालीपन हो गया। हवा दो, लंबे श्वास नहीं लेते, गहरे श्वास नहीं लेते, प्राणायाम करो, इसलिए काम करो, काम करने से भी क्या होगा, श्वास ज़्यादा आएगा, चलोगे फिरोगे, तो आकाश दो और हवा दो, ज़्यादा से ज़्यादा हवा चाहिए। और फिर क्या आता है, अग्नि दो, जितना चलेंगे फिरेंगे भागेंगे दौड़ेंगे कुछ करेंगे तो उससे क्या होगी, अग्नि बढ़ेगी ना, हैं। और फिर क्या दो, पानी दो, क्या दो, पानी दो और मिट्टी कम से कम दो, लेकिन देते क्या रहते हैं, हर समय मिट्टी, हर समय क्या देते रहते हैं, ना आकाश देना, ना हवा देनी, ना आग देनी, ना पानी देना, क्या देना, और मिट्टी का चट्टा लग गया है, क्या हो गया, डालते 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 क्या हो गया, बस ये बीमारी, और बीमारी और है क्या, बीमारी भी कुछ है। आकाश तत्व बढ़ाओ शरीर में, समझ आया कैसे बढ़ेगा, लंगन करने से, इसलिए सबसे बड़ी दवाई, तभी तो कहते हैं ना कि लंगन करना है, कुछ नया खाना सबसे बड़ी दवाई, इससे बड़ी दवाई नहीं, दवाई तो बहुत है, हजारों लाखों करोड़ है दवाई तो आयुर्वेद में भी, लेकिन सबसे बड़ी दवाई जो सारे रोगों की दवाई वो क्या है, लंगन करना है, वायु तत्व बढ़ाओ, लंबे लंबे श्वास लो, प्राणायाम करो, काम धाम करो, ठीक रहेगा। आग बढ़ेगी, पानी पानी दो, और बस मिट्टी मिट्टी, सुबह क्या मिट्टी, दोपहर में क्या मिट्टी, रात को क्या मिट्टी, शाम को भी मिट्टी, फिर रात को भी मिट्टी, अब 4 टाइम मिट्टी मिट्टी खा रहे तो क्या होगा, है मिट्टी बढ़ गई, क्या हो गया, अब बड़ा खुश हो रहा है कि क्या है, मेरा 10 किलो वजन बढ़ गया है, मैं जो हूँ ना 1.5 क्विंटल का हूँ, मिट्टी इकट्ठी करके बड़ा खुश हो रहा है। रोगों का घर है ना मिट्टी में ही, मिट्टी कम खाया करो, ठीक है ना, मिट्टी खाते रहते हैं। अच्छा जी, बात क्या चल रही है,
संतोष की बात चल रही है, दान की बात चल रही है। दान पे कूद गए ना हम सीधा, है किसका दान? अहंकार का दान। किसका करें? स्वार्थ का, मोह का, राग का और अहंकार का, ममता अहमता का क्या कर दे? दान का। फिर क्या हो गया? हो गया ब्रह्म। दान करते क्या हुआ? क्यों सेठ जी, दान करते छुटकारा मिल गया ना? ममता अहमता का दान करते ही क्या हो गया? ब्रह्म नहीं हो गया? ममता अहमता के कारण ही बंधा हुआ है, जीवत्व है। और ममता अहमता का त्याग होते ही क्या है? ये ब्रह्म ही, ब्रह्म ही है। तो चार साधन वहां बताए, चार ही यहाँ पर बताए हैं। सतसंग ते दान विचार तोषा। सतसंगति ब्रह्म प्राप्ति, परमात्म प्राप्ति के साधन। बाकी और साधनों को देख लेना आप, लेकिन जो यहाँ पर साधन बताए है, एक तो सतसंगति, दूसरा दान है, तीसरा विचार है, और चौथा संतोष। संतोष अलग ही सुंदर बात, संतोषी सदा सुखी। जब आवे संतोष धन, संतोष। अकाल पड़ गए, संतोष का तो क्या हो गया? सबके सब सेठ होना चाह रहे नहीं होने चाह रहे, सबके सब क्या बनना चाहते हैं? और है कोई भी नहीं, बनना क्या चाहते हैं? सेठ मिला कोई? कोई मिला आपको सेठ? क्यों जी, कंगाल ही कंगाल मिले होंगे ना, सेठ तो नहीं मिलते। हम सेठ जी को सेठ जी बोलते हैं तो ये बड़ी, आपकी तो बड़ी पदवी है, बड़ी डिग्री है, कंगाली कंगाल है ना दुनिया में, तृष्णा और कोई सीमा नहीं। सेठ कौन है? संतोष, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए। वो क्या है? वो सेठ ढिल्ला नहीं है पास में भले, लेकिन क्या है वो? उसे अहंसा है। जिनको कछु न चाहिए सो साहन पति साह। वो क्या है? साहो के भी सहा है, राजाओं के भी राजा, इसलिए महाराज है। और कपड़े पहने महाराज के, और दृष्टि रखें दक्षिणा पर, चाह करें दान की, तो फिर क्या हुआ? वो तो महाराज नहीं हुआ, वो तो कंगाल ही, दरिद्र ही, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसके पास संतोष का धन है। संतोष धन में जो छका हुआ, संतोष धन में छका हुआ है, उसके लिए थोड़ा भी ज्यादा ही है। सब कुछ फालतू ही फालतू है, सब कुछ क्या है? फालतू ही फालतू है, नहीं सब फालतू ही फालतू है। दुनिया की, दुनिया का जो निश्चय वो अलग है। कई बार हमें लगता है कि हमारा दुनिया के साथ कैसे मेल खाए, कोई हो सकती है मित्रता? दुनिया के साथ मित्रता हो सकती है क्या? बड़ा कठिन है, क्योंकि दुनिया को तो क्या चाहिए? हम जो दुनिया को चाहिए, जो दुनिया चाह रही है, उनका हमारे साथ कोई तालमेल हो पाएगा? कोई मतलब ही नहीं। जो दुनिया को चाहिए वो हमें नहीं चाहिए। जिसके पीछे दुनिया दौड़ रही है, दुनिया चाहती है धन पद प्रसिद्धि, इसी के पीछे दौड़ते हैं हम। महात्मा को ये चाहिए नहीं, तो महात्मा की इनके साथ में मित्रता। हाँ जी, क्या बताया है? कुछ नहीं चाहिए,
सब कुछ फालतू ही तो है। दो रोटी चाहिए, दो अबेरी दो सबेरी, इतनी दे गोपाला, इतनी भी जो ना मिले तो ये ले अपनी। और हम तो महात्मा तो ये भी शिकायत नहीं करेगा, मिल गई तो भी ठीक, नहीं मिली तो यही प्रारब्ध। सब तो शरीर का प्रारब्ध है ना, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। क्या होता है महात्मा का, कभी घी घना खीर है, और खीर में भी ऊपर क्या घी डाला हुआ है खूब, तो कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी ऐसे मस्त रहना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, जल पिए और क्या रहे, क्या चिंता कर। अच्छा जी यहीं पर आ जाओ, ये होगा ही नहीं आपका, समझ आ गया। संतोष फिर दान, दान का मतलब समझ गए, स्वार्थ का, लोभ का, राग का, ममता का त्याग। इदम नममः, इदम अग्नये, इदम इंद्राय, इदम नममः। यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ में क्या है, जो ममत्व है, जो वस्तु के प्रति क्या है, मेरी है, मेरी है, सब कुछ क्या है, मेरा है, तो डालते ना आहुति, वो भी दान है। यज्ञ भी क्या है, यज्ञ दान ही तो है, उसमें क्या करता है, स्वार्थ का लोभ का त्याग हो जाए, वो भी त्याग है। विसर्जम, विसर्जम कर्म संगीतम, ऐसे कुछ करके आया था ना गीता जी में था, कैसे थे, विसर्ग का नाम ही यज्ञ है, विसर्ग माने त्याग, त्याग का नाम ही यज्ञ है, त्याग करना, और त्याग का नाम ही दान है, त्याग का नाम ही दान है। विसर्ग, विसर्गम कर्म संगीतम, ऐसे कुछ करके था ना, विसर्ग करना, त्याग प्रसन्नता पूर्वक, मनवार के उदासी पूर्वक नहीं, खिन्नता से नहीं, प्रसन्नता पूर्वक। इसलिए जो दान दिया जाता है ना, दान जब दिया जाता है तो जिसको दिया जाता है उसको बहुत पूज्य, बड़ा श्रेष्ठ मान करके दिया जाता है, कि मेरी जो भी, मेरा सारा बोझ आप स्वीकार कर रहे हैं ना, आपकी बड़ी कृपा है। दान जिसको देते हैं तो क्या करते हैं, आप कृपा करके क्या कर रहे हो, स्वीकार कर रहे, देने वाला छोटा बन करके और लेने वाले को बड़ा करके दिया, वो होता है दान। और जो ये कह दे, दे दे उसको चवन्नी, हैं, तिरस्कार पूर्वक जो दान दिया जाता है वो तामसी, उसका कोई फल भंडारे के बाद दक्षिणा देते हैं शाम के साथ। हाँ शाम के साथ। हाँ हाँ सेठ जी अलग बोली आएंगे, इनका क्या मतलब है, उसका मतलब यही है, पूज्य भाव से दिया दान, कि आप कृपा कर रहे हैं, मेरा जो भी पाप है या मेरा जो भी रोग है या जो भी, आप स्वीकार कर रहे हो ना। दान जिसको हम दे रहे हैं, हाँ, इसलिए उसको श्रेष्ठ मान के पूजा करके दिया जाता है, तिलक लगा करके, माला पहना करके बलि चढ़ाई जाती है ना, है? क्या की जाती है, बलि चढ़ाते हैं ना, तो एक तरह से दान दे रहे हैं, तो अपनी सारी बला उसको दे दिया। क्या जी, बस वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका देते समय क्या भाव है, कि देते समय भी आपका ये भाव है कि भाई मैं, मेरी ममता छूटे या मेरा लोभ छूटे, दूसरा मेरे पास अधिक है, इनके काम आए, है ना, इसके द्वारा मेरा चित्त निर्मल हो, इसके द्वारा मुझे भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो, यदि ये भाव है तो वो सही। तो देने का जो भाव है, मतलब दान उस भाव से दिया जाए, बताया ना आपको,
जो भी रोगी है उसको औषधि का दान, भूखा है उसको अन्न का दान, सब अधिकारी जिनके पास जो आवश्यकता है ना। अब रोगी है कोई व्यक्ति, भले ही वो चोर है, भले ही वो डाकू है, भले ही वो कोई भी है, लेकिन उसको औषधि देना का वो पात्र है। ऐसी कोई भूखा है या प्यासा है, कोई भी है, जानते हैं कि ये दुष्ट है, ये राक्षस है, तो भी वो तो बताए ना आपको, वो तो जैसे जैसे भाव, जैसे जैसे जहां जहां पर है। हाँ, वही मतलब दान ये हो गया, संतोष हो गया, दान हो गया, विचार, विचार तो सबसे बड़ी लाठी है। विचार की लाठी से क्या होता है, सब झाड़ झंकाड़, जैसे कहीं पगडंडी पर जा रहे हो ना, लाठी हाथ में हो तो झाड़ झंकाड़ हटा देते हैं, और जो जीव जंतु है हिंसक वो भी सब दूर रहते हैं ना, किससे, लाठी से। लाठी केवल हाथ में हो, मारने की जरूरत नहीं। तो वैसी लाठी किसकी, विचार की लाठी। विचार की लाठी से राग भाग जाता है। राग रहेगा क्या, जानेंगे कि ये तो दुख रूप है। अभी क्या मानते, सुख रूप मानते, इसलिए राग करते हैं ना। जब विचार करेंगे तो पता क्या लग गया कि ये सुख रूप नहीं दुख रूप है, उनका राग छूट जाएगा, ममता छूट जाएगी, स्वार्थ छूट जाएगा। विचार की लाठी जिसके पास है ना, संसार में सत्यत्व बुद्धि छूट जाएगी, देह में ममत्व छूट जाएगा, अहमता छूट जाएगी, सब किसके द्वारा, विचार की लाठी से। एक एक साधन अपने आप में क्या है, पूर्ण है ना। विचार तो बहुत सुंदर है, पीछे भी सुना था ना आपने, क्या सुना था, किमो सधम तस्य विचार एवा को भव रोगो को वास्ति घोर, नहीं क्या बताया, भव एव साधु को महारोगो भव एव साधु। महारोगो नहीं, कुछ दूसरा शब्द है, शब्द क्या है, को दीर्घ रोगो भव एव साधु किमोषधम तस्य विचार एव। सबसे बड़ा रोग क्या है, संसार, इसमें जन्म मरण, दवाई क्या है इसकी, विचार एव, विचार ही दवाई है इसकी, दवाई विचार है, समझ गए भाइयों। हाँ, इसलिए खाने पीने ये दवाई गोली खाने को मत मानना करो, रोग मुक्त हो जाओगे, ये भी तो बताना पड़ता है हमें, दवाई के ऊपर टूटे हुए विचार, समझ आ गया, विचार, विचार के द्वारा ही वस्तु की सिद्धि, सुने थे ना आपने, विचार के द्वारा ही तत्व प्राप्ति होती है, और सतसंगति, उस सतसंगति के द्वारा ही विचार उत्पन्न होता है, सतसंगति से ही संतोष भी आता है, और सतसंगति से ही स्वार्थ लोभ ममता के दान का भाव भी आता है। किससे आता है, सतसंग, चार साधन बता दिए, किसके बताए हैं, ब्रह्मगते है, परमात्म प्राप्ति के चार साधन। इतना सरल हो गया, परमात्मा को पाना है नहीं पाना है, कह महाराज जब से होश संभाला है तब से एक ही लगन, तब से क्या है, एक ही लगन, बोलना नहीं, चुप बैठो, क्या है, एक ही लगन, क्या लगन है, परमात्म प्राप्ति की लगन है, नहीं किसकी लगन है, कि मोहे लागी लगन हरि हरि दर्शन, हरि के भी कहते हैं कि मेरा लागी लगन, ऐसे भी कुछ है, मेरा हो गई मगन है शायद, बोलो
वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगन है। महलों में पली और भूल गई यार बात, लगन है, क्या लग गई, लगन लगी है। तो ये एक ही लगन परमात्म प्राप्ति की, एक ही लगन होनी चाहिए, बाकी तो सब गुजारे के लिए, शरीर का गुजारा करने के। विचारवान को तो एक ही लगन है कि जिधर है परमात्मा मिल जाए, तो परमात्मा तो तेरे घट में विराज, कहाँ विराजते हैं, लेकिन बुद्धि की मलिनता के कारण, इंद्रियों की बहिर्मुखता के कारण से नजर में आते नहीं है, बाहर ढूंढता है। कहते सतगुरु तो तेरे घट में बैठा, तू ही भटकता बाहर फिरे, कहाँ बैठा है, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वर। शुरू में बताया ना गोस्वामी तुलसीदास जी ने, क्या बताया, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वर। श्रद्धा और विश्वास, भवानी को क्या बोला है, श्रद्धा, और शंकर जी को क्या बोला है, विश्वास। श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिस श्रद्धा और विश्वास के बिना योगी लोग भी अपने हृदय में स्थित परमात्मा को नहीं देखते। श्रद्धा विश्वास के बिना सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम, सिद्ध लोग भी स्वांतस्थम ईश्वरम न पश्यन्ति, अपने हृदय में स्थित परमात्मा को नहीं देख पाते हैं, भटकते रहते हैं जन्म जन्मांतरों तक। अविनाशी जो परमात्मा है वो कहाँ बैठा है, आपके हृदय सिंहासन पर विराजमान है, और आप उस तरफ देखते नहीं, बाहर से फुर्सत मिले तो देखे, बाहर से चाहिए तो क्या, धन चाहिए, पद चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, प्रशंसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, क्या चाहिए, संसार चाहिए, संसार चाहिए, परमात्मा चाहिए, जो चाहिए वो मिल जाता है, जो भी आप चाहो वो मिल जाएगा। सब महिमा किसकी है, चाहने की महिमा है ना, चाह के अनुसार ही चिंतन होता है, उसके अनुसार ही कर्म होता है, उसके अनुसार ही फल मिलता है ना, उसके चाहना ही तो किया हुआ ना, सब कुछ चाह से ही मिल रहा है और चाह से ही मिलेगा, जिसको चाहो वो मिल जाएगा, जिसको चाहो वो मिल जाएगा। संसार को शरीर को चाहा तो संसार शरीर मिल गया, परमात्मा को चाहेंगे तो, बल्कि संसार को पाना थोड़ा कठिन है और तो परमात्मा को पाना क्यों, क्योंकि वो तो अपनी आत्मा ही है, वो तो अपने हृदय में ही है, वो तो सबको मिला मिलाया है, बस उसको देखता नहीं। संसार को तो पाना पड़ता है लेकिन परमात्मा को पाना नहीं है, केवल वो मिला मिलाया है उसकी तरफ, मिला मिलाया खजाना है, गले में पड़ा हुआ हार है परमात्मा, बस हम क्या हो गए, भूल गए, तब बाद में पता लगा अच्छा गले में ही है, ऐसा है परमात्मा को पाना। अच्छा जी, तो ये साधन बता दिए हैं। फिर पूछा के संतः संति, ये दोनों प्रश्न बहुत ही कमाल के, इसी श्लोक में दो ही प्रश्न किए, एक तो ब्रह्म प्राप्ति का क्या क्या हेतु है, तो चार हेतु बता दिए, परमात्म प्राप्ति, सतसंगति, दान,
विचार और संतोष। अब पूछा के संता संति, महात्मा लोग कौन होते हैं जी, कौन महात्मा है? क्या पूछा है? महात्मा कौन है? नीला वस्त्र पहना हो, पीला वस्त्र पहना हो, गैरिक वस्त्र पहना हो, ऐसा पूछते हैं कि महात्मा कौन है? अखिल वीतरागः, तीन तीन बताएंगे सात गुण। अखिल वीतरागः, अपास्त मोहा, शिव तत्वनिष्ठ, ये तीन चीजें जिसके पास है वो क्या है? वो महात्मा। समझ आया? समझाएंगे अभी तो समझ लो क्या आया होगा। पहला क्या बताया है? अखिल वीतरागः, लोक परलोक के समस्त भोग ऐश्वर्य से जिसका राग बीत गया है वो क्या है? वो महात्मा। वो क्या है? इसको कुछ भी नहीं चाहिए, जानता है कि सबका सब दुख असार नश्वर परिवर्तनशील रसहीन रूखा फीखा और गुलाम बनाने वाला है, और एक जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतरों तक इनकी राग के कारण ही तो भटक रहा है ये जीव। और किस लिए भटक रहा है? राग के कारण ही भटक रहा है। अखिल वीतराग, अखिल माने संपूर्ण जो कुछ भी भोग्य वर्ग है उन सब से जो वैराग्यवान है, जिसका राग गलित हो गया है, वो महात्मा है। पहला तो ये। अपास्तमो हा, समय ज्यादा हो गया, नहीं तो अब ये बातें तो इतनी सुंदर सुंदर है कि ये दौड़ के जाने के नहीं, आ तो बड़ी सुगंध आ रही है बगीचे में, क्या आती है वहां से दौड़ के निकलोगे, आराम से निकलोगे, खड़े हो जाएंगे ना वहां पर, तो खड़ा तो नहीं हो सकते ना। अपास्त मोहा, और जिसका जो मोह है अविवेक है वो क्या है? नष्ट हो। मोह, मोह क्या है? अविवेक। मोह के कारण से जो अपने नहीं है उनको क्या मानता है? अपने मानता है। मोह के कारण ही तो मानता है अपने। किस बात में? अच्छा ये बताओ किस बात में अपने? आपके पाप कर्मों का फल भोग लेंगे हैं, आपका रोग भोग लेंगे हैं, बताओ किस बात में अपने? जिनको हम अपने मानते किस बात में अपने? कोई अपना नहीं, सबके सब स्वतंत्र है। अपने अपने कर्म भोग के लिए कुछ लेन देन है उनका हमारे साथ में, हमने कुछ किसी से लिया हुआ है, किसी को दिया हुआ है, बस वो लेन देन है। इसलिए कहते कि ये क्या है, मेरा बेटा है। किस बात में है भाई तेरा? किस बात में ये बताओ, किस बात में? ये तो मोह है, कुछ का कुछ देखना, जो जैसा नहीं है, जैसे रस्सी में सांप देखना ये मोह है, सीपी में चांदी देखना ये मोह है, मरुभूमि में मरुमरीचिका में जल को देखना ये क्या? ये मोह है। यही तो मोह है, अविवेक। ये मोह है। जो सुख रूप दुख रूप है विषय, उनको सुख रूप मानना ये क्या है? ये मोह है। ये शरीर जो असुंदर है अशोभन है, इसको सुंदर मानना क्या है? ये मोह है। शरीर क्या है? वो सुंदर। शरीर क्या है? वो सुंदर है। क्या है शरीर? सुंदर है या क्या है? मलिन है, बताइए। कीचड़ है ना भाई, क्या है? कीचड़ है, नहीं कीचड़ है। जैसे मिट्टी पानी मिल जाए तो क्या होता है? ये पांच चीजें मिली हुई है, आकाश हवा
अग्नि पानी और मिट्टी मिल करके क्या बन गया, ये कीचड़ बना हुआ है ये शरीर में। और क्या भरा हुआ है इसमें, कीचड़ ही तो भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, यही तो पांच तत्व है ना अभी आपको बताया। मिट्टी ज्यादा कर लेते हो आप लोग तो कीचड़ ज्यादा, मिट्टी ज्यादा खाने से क्या होता है, कीचड़ ज्यादा हो रहता है शरीर में। हाँ वही कफ हो गया, पांच के तीन बन गए ना। आयुर्वेद जैसा तो वैज्ञानिक शरीर की चिकित्सा कोई है ही नहीं, प्राकृतिक चिकित्सा योग और आयुर्वेद चिकित्सा तो बस यही है, बाकी एलोपैथिक को जो चिकित्सा कहे उससे बड़ा मूर्ख नहीं है, तो कोई चिकित्सा जहर है, जहर खाओ मुठा भर भर कर, मुट्ठी भर भर करके। हाँ पांच तत्व जब मिल गए तो तीन बन गए, वात पित्त और कफ है। कफ बन गया, क्या बन गया, मिट्टी पानी मिल गया तो क्या बढ़ गया, कब बढ़ गए, मिट्टी पानी और थोड़ा सा इसमें चिकनाई वही मिट्टी। और पित्त क्या है, पानी और आग मिल गई क्या हो गया, पित्त तो हो गया है ना। और वायु क्या है, वात रोग क्या है, वायु प्रकोपित तो हो गया, वात बढ़ गई, अग्नि मिल गई। इसमें भी कहीं वात पित्त कब तो तीन कह देते हैं, लेकिन इसमें भी कहीं कहीं भाग बनते हैं, कॉम्बिनेशन हो जाते हैं कहीं कहीं। तो ये पांच से तीन बन गए वात पित्त कफ। अब इनका इलाज कितना आसान, यूं हाँ चुटकी बजाना है, शरीर का इलाज क्या है, चुटकी बजाना, इतना आसान ही नहीं है जितना शरीर को ठीक करना, तो सबसे ज्यादा आसान। हाँ पर चलो आयुर्वेदाचार्य नहीं बनते अभी। अपास्त मोहा, मोह जिनका क्या हो गया, समाप्त हो गया, अस्त हो गया मोह, क्या हो गया, तो मोह समझ आया आपको, मोह क्या क्या है, अशोभन में शोभन बुद्धि, अशुचि में शुचि बुद्धि। है तो ये शरीर अपवित्र असुंदर, और इसको क्या मानता है, पवित्र मानता है, सुंदर मानता है, ये क्या है, ये मोह है। शरीर के जो संबंधी है उनमें ममता करता है, ममत्व रखता है, ये क्या है, ये मोह है। संसार के जो नाशवान विषय है, जो दुख रूप है, उनमें सुख मानता है, ये क्या है, ये मोह है, यही तो मोह है। तो जिसका मोह क्या हो गया है, अस्त हो गया, समाप्त हो गया, समय ज्यादा हो गया, शिव तत्व निष्ठा, और जिसको परमात्म तत्व में ही जिसकी क्या है, निष्ठा है, जिसकी बुद्धि, जिसकी श्रद्धा कहाँ ठहरी हुई है, पर इसका विचार हम लोग कल करेंगे, आज इतना ही। ओम।